नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टेलर जानकारी में। दोस्तों, आज सिखाएंगे आपको कि कमीज पजामे की प्रेस कैसे करते हैं। ये मेरे पास बिल्कुल नया कपड़ा है, यानी कि नए सूट में प्रेस करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो आज सिखाएंगे आपको। तो सबसे पहले ये कमीज है, जैसे कि सबसे पहले इसकी जेब की जो अंदर है वहाँ पर प्रेस करेंगे। यहाँ पर जो टांका हमारा, उस पर एक बार प्रेस होने के बाद नए के पुराने में तो इतनी दिक्कत नहीं होती, लेकिन नया कपड़ा पे एक बार प्रेस करना थोड़ा मुश्किल काम है। और इस प्रकार से इसका एक बार जो घेरा है उस पर प्रेस करेंगे, अंदर की तरफ करेंगे। इस प्रकार प्रेस करें आप, क्योंकि कपड़ा सिल जाने के बाद मेन मुद्दा प्रेस का होता है। आज यही सिखाएंगे आपको। जो टांकों की जो सल है वो अच्छे से निकलनी चाहिए। इस प्रकार से यहाँ पर गहरे में किसी प्रकार का जो बंट नहीं दिखना चाहिए। अब अंदर की तरफ हो गया, बाहर की तरफ भी करेंगे इस प्रकार, ताकि जो गहरा हमारा बिल्कुल नए कमीज में प्रेस करने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। और अब ये जेब है, इसको इस प्रकार रखेंगे। तो इस प्रकार दोस्तों कर लें। अगर ज़्यादा ही सफाई चाहिए आपको तो इस प्रकार की गोटागर्दी आप कपड़े तैयार कर सकते हैं और इसको इस प्रकार रख सकते हैं, तो बिल्कुल सफाई आ जाएगी इस प्रकार। दोस्तों, अच्छी सफाई के लिए आप इस प्रकार की एक गोडा गद्दी तैयार कर सकते हैं, कातरों से की जाती है, इस प्रकार दर्जी लोग रखते हैं। और अगर ये जेब की बात करूं तो मैं वैसे ही कर सकते हैं, अगर इसके इस प्रकार गोडे के ऊपर रखकर आप करेंगे तो बहुत अच्छी सफाई आएगी इस प्रकार। और जो हमारा मोडा है ना, इसका भी इस प्रकार कर सकते हैं आप, मोडे की जो है सफाई इससे कर सकते हैं आप गोडा गद्दी से। इससे क्या होगा कि आपका गोडा भी नहीं बढ़ेगा और जो सफाई मोड़े की वो अच्छी से आ जाएगी। अक्सर सारे लोग इसी प्रकार अच्छी प्रेस करते हैं। अगर आपके पास ये नहीं है तो कोई बात नहीं, इस प्रकार आप कर सकते हैं। अब बात आती पीछे की, जो तीरे का हिस्सा होता है यहाँ पर, तीरे पर अच्छे से प्रेस घुमाएं। इतना हो जाने के बाद अब बाजू की करेंगे प्रेस। पहले इस प्रकार अंदर की तरफ करेंगे। ये देख लिया आप, इस प्रकार इसके अंदर तरह प्रेस करनी है और यहाँ करनी है। वीडियो कृपया ध्यान से और पूरा देखें दोस्तों। अगर इस चैनल की वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर कोई भी सवाल आपका तो बेझिझक कमेंट करें, मैं 100% रिप्लाई दूंगा। तो इस प्रकार से प्रेस करें, बाजू के देख सकते हैं आप। दोस्तों, इस प्रकार बाजू के प्रेस करें। कई बार क्या होता है कि हमारे यहाँ पर अच्छे सड़ पड़ जाती है और ये बिल्कुल साफ नहीं आती, या तो इधर हो जाता है। आपके साथ भी हुआ होगा कभी? अगर आपके साथ ये समस्या आती है तो बेझिझक कमेंट करें, मैं इसका समाधान बता दूंगा। और अभी से बाजू में इस प्रकार की कोई समस्या नहीं, देख सकते हैं आप बिल्कुल सही आ रही प्रेस, वरना यहाँ पर सड़ पड़ जाती है, ये इस प्रकार हो जाता है। तो वो बाजू कटिंग करते वक्त आप थोड़ी गलती कर देते हैं, इसलिए वो प्रॉब्लम आती है। ये देख सकते हैं आप, इसमें बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है इस प्रकार की, ये दोनों तरफ से बिल्कुल सही आ गई है।
ये दोनों बाजू हमारी प्रेस होकर तैयार हो गई है दोस्तों। अब जो गले का हमारा ये बटन टेक और सावना पट्टी का इससे को जमाएंगे इस प्रकार से। इस प्रकार से करने के बाद अब कलर के जो पीछे का हिस्सा इस पर यहाँ पर प्रेस करेंगे अच्छे से। अच्छे से प्रेस करने के बाद अब आगे प्रेस करेंगे इसके इस प्रकार से और इसको मोड़ेंगे तो इस प्रकार देख सकते हैं आप बैन के नज़दीक टांका इसके नज़दीक से मोड़ेंगे इसको इस प्रकार से। और ये मैंने कपड़े की फिट्टी क्यों रख रखी है नज़दीक इसका बताऊंगा मैं यूज़ आपको क्या यूज़ है। अगर आपके पास है तो ठीक है नहीं तो वैसे भी आप इसकी गुलाई कर सकें। इसकी गुलाई के लिए ये दोस्तों यहाँ पर गोडे पर रखेंगे इस प्रकार। इस प्रकार रखने के बाद दोस्तों इस पर प्रेस करेंगे इस प्रकार ताकि इसकी गुड़ाई जो है कॉलर की अच्छे से आ जाएगी जैसे कि रेडीमेड कपड़े ही होती है। ये देख सकते हैं आप बिल्कुल अच्छे से गुड़ाई आ गई है। अब ये बटन बंद कर देंगे। अब दोस्तों इस प्रकार कपड़ा मैंने ये बिछा लिया कमीज सीधा देख सकते हैं इस प्रकार अच्छे से बिछा लें एक बार आप और फिर इस पर प्रेस करना आरम्भ कर दें इस प्रकार से। प्रेस में दोस्तों एक बात का और भी विशेष ध्यान रखना होता है कई बार ज़्यादा गर्म होने की वजह से कपड़ा बढ़ जाता है इस बात का ध्यान रखें या तो रेडीमेड का प्रेस रखें इस प्रकार की लिमिट बांध ले उसकी बटन होते हैं तो उससे बढ़ेगी नहीं दो मिनट भी इस प्रकार रहेगी तो भी नहीं बढ़ेगी। बस ये थोड़ी सावधानी बरतनी ज़रूरी है और प्रेस करने से पहले प्रेस को अच्छे से कपड़े पर सिंपल कपड़े पर घसा लें ताकि जो भी धूल मिट्टी है या जर है वो उतर जाए और आपका कपड़ा और चिपे ना। इस प्रकार कर लें दोस्तों देख सकते हैं आप अच्छे से प्रेस कर लें यहाँ पर दोस्तों। कमीज़ कटाई की और सिलाई की वीडियो मैंने चैनल पे अपलोड कर रखी है अगर वो वीडियो आप देखना चाहें तो देख सकते हैं चैनल पर जा करके। तकरीबन हर प्रकार की वीडियो अपलोड है चैनल पे। अभी इस प्रकार दोस्तों ये आगे की प्रेस हो गई और पीछे इसको इस प्रकार पलट लेंगे। दोस्तों ये बैक हिस्सा मैंने पलट लिया इस प्रकार से आप इसके पीछे प्रेस करेंगे पिछली साइड इसकी प्रेस करेंगे अब इस प्रकार से बैक साइड भी अच्छे से प्रेस कर लें। अब दोस्तों बैक हिस्से की प्रेस हो गई है अब इसकी तय करेंगे इस प्रकार से पलटेंगे इसको इस प्रकार से पलट लें कर लें जो जेब हमारी एक डेढ़ इंच पलटी जाए ज़्यादा ना हो तो इतना अंदाजा रखें ज़्यादा पतली तय भी ना हो। इस प्रकार देख सकते हैं मैंने किस प्रकार पलटा है ये जेब इसमें क्रीज में आनी चाहिए थोड़ी बहुत एक दो आंगल और इस बाजू को इसका ऊपर इस प्रकार रखेंगे इस प्रकार रखेंगे देख सकते हैं आप ठीक है ना। और इसको इस प्रकार कर लेंगे अब ये इसकी तय जितनी की है हमने उतनी इसकी करेंगे कम ज़्यादा ना हो यहाँ से अंदाजा ला ली इस प्रकार और इसके भी प्रेस कर दें अच्छे से। दोस्तों कपड़े में सुधार लाने के लिए प्रेस एक मेन चीज़ है प्रेस के बिना कपड़ा बहुत ही भद्दा लगता है। अब 10 दिन में अपने कपड़ों को प्रेस करते रहें इस प्रकार से ताकि दिखने में जो है बहुत अच्छे लगे आपके कपड़े और इसको इस प्रकार पलट लें दोस्तों देख सकते हैं आप किस प्रकार ये तय कर रहा हूँ मैं। अब बैक इस प्रकार करने के बाद इसको इस प्रकार से कर लें ये देख सकते हैं आप कितने अच्छे से हमारी तय हो गई है। दोस्तों हमारा कमीज़ प्रेस होकर के तैयार हो गया है। अब जो पजामे की प्रेस है उसकी वीडियो अलग से बनाऊंगा मैं क्योंकि ज़्यादा वीडियो लंबी हो रही है दोस्तों। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, और पजामे प्रेस की वीडियो जरूर देख लेना।